नेचुरल, इतना नेचुरल कि मतलब लगता है कि गांव का कोई एकदम किरदार उतर गया है। 3 तारीख को ये फिल्म आ रही है थिएटर में आपके नज़दीक सिनेमा घरों में लग रही है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग एक बार थिएटर में जाके जरूर देखें, और जब आप देखेंगे तो बार बार देखेंगे और आप ये कहेंगे कि हमने अगर निरहुआ ने कोई फिल्म देखने के लिए भेजा था तो उसने गलत नहीं किया था। आप मुझे शाबाशी देंगे और आप कहेंगे कि मैंने आपको एक अच्छी फिल्म के बारे में बताया था। 3 फरवरी तो 3 फरवरी को आपको जाना है थिएटर में, फिल्म देखना है, मेहंदी लगा के रखना, और उसके बाद ये वीडियो आप जो देख रहे हैं इसके नीचे आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए। माताएं बहनें देख सकती हैं इतनी पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्म है, तो मुझे इंतजार रहेगा। बस हम तो पटना से पाकिस्तान जो बनाए थे जो हमारे निर्माता थे, हाँ, जो भोजपुरी के इतिहास में सबसे बड़ी हिट फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म, उन्होंने पटना से पाकिस्तान के बाद सीधा बिल्कुल इतिहास फिल्म लिए, एक अलग ही सोशल इमोशनल स्टोरी बनाया। क्या वो तो हीरा है, वो अपना जो नंजन अमराज आदमी आदमी नहीं है, वो हीरा है। वो आदमी क्या है, एक पटना से पाकिस्तान उन्होंने दिया सीधे, एक ऐसा फ्लेवर कि बस काट डालेंगे, मार डालेंगे, वो एक 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 लकीर खींच दिया कि अब उसके बाद एक ट्रैक बन गया। उन्होंने तो सीधे जैसे बॉर्डर पे लकीर है ना, वैसा लकीर खींच दिया, इसको लांग के दिखाओ दिखाओ, हाँ लोग लांग नहीं पाए, और शायद लांग भी पाए तो इस फिल्म से लांग पाए, अलग फ्लेवर की फिल्म। बहुत लोग ट्राई किए, धनंजय रघुराज ने जो लकीर खींची थी और उसको लांगने की बहुत लोग कोशिश किए, लेकिन लड़ा के गिर गए, लेकिन वो वहां तक पहुंचने से पहले ही लड़खड़ा जाते थे। तो वो आदमी ने फिर से एक नया रेखा खींच दिया, वो जैसे एक ऐसी फिल्म थी एक्शन, उन्होंने फिर रोमांटिक और पारिवारिक ऐसी फिल्म जो आपके गांव को प्रेजेंट कर दी, आपके घर को, आपके खेत खलिहान को, एकदम अलग तरह का। तो वो जब देखेंगे आप तो निश्चित रूप से अनंत रघुराज को आप दिल से आशीर्वाद देंगे, और सबसे ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत मेरे भाई को है, क्योंकि ये बाकी लोग चाहे उदेश भैया हैं, खेसारी जी हैं, हमारे अनंत जी हैं, इन लोगों ने और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, पर उदेश भाई की ये पहली फिल्म है और इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, इसलिए नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने फिल्म अच्छी बनाई है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप 3 फरवरी को मेहंदी लगा के रखना, देखिए और देख के अपना कमेंट जरूर नीचे लिखिए, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, और देखा तो आपको क्या अच्छा लगा वो हम लोग को भी पता चले। अब रजनीश भाई आपसे कुछ कहेंगे, बस हम एक ही शब्द कहेंगे, आपके साथ काम कब करेंगे? अरे मैं तो आप देखिए, अभी रजनीश भाई ऐसी बात बोल रही है, कोई भी फिल्म बनती है, अभी जैसे हम लोग बॉर्डर बना रहे हैं, काम तो हमेशा कर, जैसे बॉर्डर बना रहे हैं उसका म्यूजिक यही कर रहे हैं, पर सिर्फ म्यूजिक नहीं, इनके थॉट्स हर चीज में होते हैं। जब ये स्टोरी सुनते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब ये गाने लिखे जाते हैं तो ये बोलते हैं नहीं ये लाइन अच्छी नहीं है, ये हटाइए आप लोग, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो हमारी फिल्म के हिस्सा तो आप हमेशा रहते हैं। हाँ ये बात सही है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पूरी टीम का कमान आपके हाथ में कब आएगा, डायरेक्शन कब आएगा, तो निश्चित रूप से आएगा, और आपने अच्छी फिल्म बनाया कि रखना, रिलीज के बाद आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, सबसे पहला ऑफर आपको वही देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए उदेश भैया ने आज तक कभी किसी के बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जब भी बताया इन्होंने सच बताया कि यार इसको काम आता है, इसको नहीं आता, ये अच्छा करता है, ये नहीं करता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट करेगा। और उदेश भैया ने फिल्म के बाद जितनी तारीफ इनकी की है, इन्होंने जितना तारीफ करके बताया, हाँ फिल्म के पहले भी बताया इन्होंने, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इनको कहा भाई पहला ऑपरेशन मेरा मत, आप डॉक्टर बने हो थोड़ा सीख लो, तो पहले एक आध ऑपरेशन कर लो, पहले ऑपरेशन में अगर मुझे ऊपर भेज दें
ठीक नहीं रहेगा, पहले एक ऑपरेशन कम से कम करिए ताकि मुझे भरोसा रहे कि मैं ऑपरेशन के बाद जीवित रहूंगा। तो ये सच बात है, उसमें कोई बनावटी बात नहीं। मैंने कहा था भैया को बेटा एक आध फिल्म बना लीजिए ताकि वो क्या है ना आपको एक अनुभव आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार तो हम ये भी देखते हैं। आइए देखिए हम देखते हैं क्या आ गई है हमारे बीच। आम्रपाली दुबे जी और इन्होंने भी हम लोग के साथ में ही ट्रेलर देखा था गाने लेके थे। अब अगली आवाज आम्रपाली दुबे जी की। तीन को फरवरी को रिलीज हो रही है मेहंदी लगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रिलीज होने के पहले भी हम लोग एक बार बैठ के पूरी पिक्चर देखने वाले हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत सुपर्ब गाने हैं। सो प्लीज डोंट मिस इट। बनाने वाले उसके बनाके एक दोस्त है, बनाने वाले तो जो हैं उनके बारे में क्या। आपने गाने के बारे में बोला तो उसको थोड़ा तो लाइन आप होना चाहिए। लगा के फेर लभली जान ले बेकार पगली का। ये गाना है मेहंदी लगा के रखना, आप सोच सकते हैं कि कितना इंटरटेनिंग फिल्म होगी। हाँ आगे कंटिन्यू। और रजनीश जी जिन्होंने बनाई है पिक्चर, उनके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि उनसे मैं जब भी कन्वर्सेशन करती हूँ, जब भी कोई बात करती हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनसे बात कर पाती हूँ। मैं उनसे जब भी बात करती हूँ मुझे पता है कि मैं स्मार्ट बातें कर सकती हूँ। तो उन्होंने अगर कोई फिल्म बनाई होगी तो वह ऐसी ही फिल्म होगी जो ऑडियंस के हिसाब से मज़ा दे। तो मेरे यकीन पे आप लोग प्लीज जाइएगा क्योंकि रजनीश जी का डायरेक्शन बहुत अच्छा होगा। उनका परफॉर्मेंस मैंने देखा है, एक और सीन देखा है अभिनेश जी का, और आपसे अच्छा अनुभव कोई नहीं कर सकता था। काय का नेगेटिव, मैं वो एक सीन देख के रोने लगी, बोलूंगी नहीं अभी। सच में मैं काटूँ एक लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी थी अमरीश पुरी जी के अंदर कि हम लोग जब उनको विलेन के रूप में देखते तो डर लगता था, डर जाते थे कि ये कौन आदमी है यार, ये तो मतलब बच्चों बच्चों को आ जाएगा तो खा जाएगा, ऐसा मतलब इतना डर लगता था। वही हाल ही ये जब खूंखार रूप पकड़ते हैं फिल्मों में तो लगता है कि ये आदमी खा जाएगा यार, आदमखोर आदमी है ये कट्टू। अब मेहंदी लगा के रखना में जब इनको हम देखते हैं तो जैसे हम लोगों ने अमरीश पुरी जी को देखा था अचानक से, जब ये फिल्म थी जिसमें वो कुत्ते का पट्टा उनको ऐसा पहनाते हैं डैनी जी, घातक में, तो उस तरह का चेंज ओवर इन्होंने दिखाया। तो वो यही कर सकते हैं, उसमें कोई बात कहने की नहीं, आप भी जानते हैं इनके अंदर ही वो क्षमता है कि हर तरह के रोल में ढल जाते हैं, हर तरह और प्रयोग करते हैं। प्रोड्यूसर आपका भाई है और सबसे, हाँ मैं अभी बोलने ही जा रही थी तब तक मेरा कहना, और इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है मेरा भाई है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बेचारा थोड़ा लाचार भी है। हीरा है लड़का बट मैं उससे पर्सनली बहुत प्यार करती हूँ, मेरा भाई है, मैं उससे राखी बांधती हूँ। उसने जो फिल्में बनाई है पटना से पाकिस्तान की फिल्में, तो आप लोग सोच लीजिए जब उसे मेहंदी लगा के रखना बना होगा, और मेहंदी लगा के रखना के लिए तो वो और पागल था, पटना से पाकिस्तान से ज़्यादा एक्साइटमेंट, उसने अपना सब कुछ डाला होगा इसके लिए। प्लीज़ देखिए और लोग हाँ मैंने मेहंदी लगा के रखी है, देखिए आप लोग जाकर फिल्म और मजा लीजिए। ये आप लोग को पिक्चर कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जरूर जाइएगा 3 फरवरी को ये फिल्म आ रही है, आप देखिए और अपने कमेंट्स दीजिए ताकि हम लोग जानें कि आपको कैसी लगी फिल्म, और इस तरह की फिल्म फिर हम आगे भी, सबसे जरूरी बात है आप ये भी लिखिए नीचे जरूर कि मुझे इनके साथ फिल्म करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब इन्होंने ये बात रखी है अभी तो नैया तेरे राम हवा, तो अब आप लोगों को फैसला, देखिए हमारे भगवान आप हैं, बिल्कुल हमारे जो भगवान है वो हमारी दर्शक है, हमारी ऑडियंस है। आपको अगर इनका काम पसंद आता है, आपको लगता है कि रजनीश मिश्रा ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है, तो आप नीचे लिख के भेजिए कि निरोवा तुमको रजनीश जी के साथ एक फिल्म करना है और मैं तुरंत बना जय हो। भोजपुरी इंडस्ट्री की
चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी मीडिया।